हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार। मेरे यूट्यूब चैनल एमएलएस केके में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपसे व्हिच हॉस्पिटल्स आर बेस्ट फॉर न्यूरो प्रॉब्लम्स इन इंडिया 2020-24। तो 2020-24 में कौन कौन से हॉस्पिटल बेस्ट है कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं ये हॉस्पिटल्स बेस्ट क्यों हैं। तो ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स में इंडिया के सबसे अच्छे न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो है इसमें काम करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ये जितने भी डॉक्टर हैं बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर हैं और आपका एक्सपीरियंस डॉक्टर है। और ये जितने भी हॉस्पिटल हैं आपका मॉडर्न इक्विपमेंट से लेस है और कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 न्यूरो हॉस्पिटल्स इन इंडिया 2020-24। तो मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपका टॉप 3 न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल इन इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो हॉस्पिटल है बीएलके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एड्रेस है बिल्डिंग नंबर 5 पुसा रोड दिल्ली। इसमें टोटल बेड्स है 650। फोन नंबर भी दिया गया है, तो फोन में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, एड्रेस है बिले पार्ले मुंबई। इसमें टोटल बेड 350 है। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम के लिए तो अच्छे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट भी इनके अच्छे हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल है सीएमसी भेलोर, यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेलोर। तो एड्रेस है इडस कैडर रोड भेलोर तमिलनाडु। फोन नंबर भी अवेलेबल है। इसमें टोटल बेड 2858 है। ये बहुत ही रिनाउंड और पॉपुलर हॉस्पिटल है इंडिया में। दुनिया के हर एक कोने से इसमें लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया के हर एक कोने से बहुत सारे लोग जाते हैं इसमें ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव, एड्रेस है सेक्टर 44 गुरुग्राम हरियाणा। इसमें टोटल बेड्स है 1000 से भी ऊपर बेड्स है इसमें, 1000 से ऊपर। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है इंद्रप्रस्थ अपेलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, एड्रेस है मथुरा रोड न्यू दिल्ली। इसमें टोटल बेड है 710। ये भी बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल बैंगलोर, ये भी बहुत रिनाउंड और पॉपुलर हॉस्पिटल है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल माने जाते हैं। एड्रेस है 98 हॉल ओल्ड एयरपोर्ट रोड कोरिहली बेंगलुरु। इसमें 7000। इस हॉस्पिटल के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं इंडिया में। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है अपेलो हॉस्पिटल चेन्नई, ये इस हॉस्पिटल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इस हॉस्पिटल का हर एक डिपार्टमेंट अच्छा है और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसमें टोटल बेड्स है 695। ये भी बहुत ही अच्छा न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है। अभी मैं आपसे इंडिया के जो टॉप 3 न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चले जानते हैं कौन कौन सा जो हॉस्पिटल है न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम के लिए टॉप 3 में आते हैं। तो पहला देखिए हॉस्पिटल है मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, एड्रेस है सी एच बख्तावर सिंह रोड मेडी सिटी इस्लामपुर कॉलोनी सेक्टर 38 गुरुग्राम। इसमें टोटल बेड्स है 1391। ये भी बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल है, न्यूरोलॉजी के प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, निमांस हॉस्पिटल। ये खाली इंडिया में नहीं पूरा एशिया में आपका रिनाउंड न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस। एड्रेस है होसूर रोड होम्बी गौडा नगर बेंगलुरु कर्नाटका। इसमें टोटल बेस है 526। ये हॉस्पिटल इंडिया के जाने माने न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल है। नेक्स्ट हॉस्पिटल है नंबर 1 पोजिशन पर, यह है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स। एम्स के भी बहुत सारे ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो दिल्ली में जो है मेन ब्रांच है, तो इस आपका हर एक डिपार्टमेंट इसका अच्छा, न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम के लिए भी नंबर 1 पे आते हैं। एड्रेस है श्री अरविंद मार्ग अंसारी नगर ईस्ट न्यू दिल्ली। इसमें टोटल बेड 2478 है। तो ये थे इंडिया के जो टॉप 10 न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल 2020-24 के लिए जानकारी। तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।